नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ वृंदावन और श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ हर गली गली में ये उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन हम सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि सब लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और हमारा देश तरक्की करे। इसके साथ मैं अपने उत्तर भारतीयों के बीच में आज बैठा हूँ और कम से कम दसियों टोलियाँ गईं। मैं सबको जो सर्वश्रेष्ठ थे उनको हमने उपहार दिया और आज खासकर हम अपने उत्तर भारतीयों के लिए हम एक संदेश के साथ महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने महाराष्ट्र में हमारे उत्तर भारतीय के लोग हैं वो भी आज ये दही हांडी उत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। उसी कड़ी में अपने उत्तर भारतीयों के लिए आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह साहब और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी कड़ी में
मैं जब महाराष्ट्र में आया, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर भारतीयों की एक चिंता और आए दिन उन लोगों के अंदर एक घबराहट के रूप में बातचीत हुई कि आज उत्तर भारतीयों ने मिलकर के चार साल पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से सभी पार्टियां अलग अलग लड़ी, उसमें उत्तर भारतीय सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। अभी एक महीना पहले पालघर का जो उपचुनाव हुआ लोकसभा, उसमें हमारे उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान था कि आज हम पालघर का भी लोकसभा जीते। लेकिन अभी चार दिन पहले महामंडलों का विस्तारण हुआ। हम जब अपने इस उत्तर भारतीयों प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों के बीच में कल एक मेरा स्वागत समारोह था, वहाँ जब मैं था तो सभी लोगों को अंदर से एक ही मांग आई कि सांसद जी, हम उत्तर भारतीयों को प्रदेश में, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, उत्तर भारतीयों का ना सम्मान हो रहा ना उनके हक और अधिकार की चर्चा हो रही, तो आपके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय अध्यक्ष जी को और खासकर हम महाराष्ट्र प्रदेश सरकार और प्रदेश के संगठन के लोगों से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि उत्तर भारती आपके हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। हम उत्तर भारतीयों के मान सम्मान स्वाभिमान और हक और अधिकार को चाहते हैं। जो वो कहीं कहीं उपेक्षित हैं, कहीं कहीं उनके अंदर एक बेचैनी है, उसको दूर किया जाए। हम अपने प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश के संगठन हो, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, उनका एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो सबके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन खासकर आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार और प्रदेश के संगठन के लोगों से मेरा आग्रह है कि उत्तर भारतीयों का सम्मान, हक और अधिकार और उचित स्थान दिया जाए, जिससे आपस में उनमें तरह तरह की बातें हम कल आकर के सुने हैं वो उनको अच्छा लगे और उनके हक और अधिकार और सम्मान मिले, जिससे अभी तक वो उपेक्षित हैं उनका सम्मान मिले। मैं ये आज के इस अवसर पे आपके माध्यम से प्रदेश सरकार और संगठन को बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी को कितना सीरियस लेते हैं आप? अभी हाल ही में उन्होंने विदेश में जाके कुछ अपने देश की ऐसी बातें कही थी जो नहीं कहना चाहिए था, आप कितना सीरियस लेते हैं राहुल गांधी को? हालांकि उनकी पार्टी ही उनको सीरियस नहीं लेती, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज वो हमारे विपक्ष के नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम अपने तरफ से उनको आज इस अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान उनके स्वास्थ्य और उनके बुद्धि को देश हित में बात करें। आज हमारी पार्टी जिस तरह से चार साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक रुपए कहीं भ्रष्टाचार नहीं और सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम राहुल जी से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप एक पार्टी के नेता हैं और आज आप उचित हो कि अपने देश की मान सम्मान की बात बाहर न करें। आपको यहाँ कोई तकलीफ या कोई बातचीत है तो ज़्यादातर अपने ही अगर घर में अगर ये बात रखेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे देश का स्वाभिमान है, हमारे देश की बात है। इन सब चीज़ों को बाहर जा कर के जिस तरह से उन्होंने कहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है, मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। तो मैं इतने कहूँगा और हमारी पार्टी के सीनियर नेता लोग इसके ज़्यादा जवाब देंगे। रामचंद्र जी, आपके लोकसभा की अगर बात करें तो देखिए, हम इतना कहेंगे कि हमारी मछलीशहर लोकसभा दो जिले से जुड़ी है, जौनपुर और बनारस, और आज इस चार साल में
अब हम लोगों को जब उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार आई तब से तो काम का रफ्तार पकड़ा, क्योंकि जब वहाँ समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, अखिलेश उसके मुख्यमंत्री थे, तो 2014 में हम लोग सांसद बने, लेकिन 17 तक हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाए। जिस तरह से केंद्र की हमारे प्रधानमंत्री जो भी योजना जाती थी उसको लटकाने का ही काम किया गया था, लेकिन आज उस 3 साल की भरपाई हम 1 साल में कर दी। जो सबसे बड़ी समस्या गांव में बिजली की थी, आज आप जाकर के देख लीजिए 24 घंटे में हम 20 घंटा 21 घंटा बिजली दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह से सपा के अखिलेश के सरकार में उनके नेताओं के जेब में कानून था, आज वो कानून दिखाई दे रहा है कि गलत आदमी प्रदेश छोड़ रहा है, जिला छोड़ रहा है भाई से। तो हमारी प्रदेश सरकार चाहे योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, आप सुने होंगे कि अभी 2 महीना पहले और 6 महीना पहले सारे देश के पूंजीपतियों का एक समिट बनाया बैठक हुई थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश के पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिन में जो उन लोगों को पिछली सरकारों से भय था उसको हम लोग हर तरफ से सपोर्ट सहयोग देंगे, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े और नौजवानों को रोजगार मिले। इस दिशा में हम लोग प्रदेश का काम और ख़ासकर मैं अपनी मछलीशहर लोकसभा में हर घर में जिस तरह से विद्युतीकरण का काम, जिस तरह से रोड का काम, जिस तरह से प्रधानमंत्री चाहे आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवार को गैस कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, और आज खासकर जिस तरह से इसी महीने में हर परिवार को हेल्थ बीमा हमारे प्रधानमंत्री जो देने जा रहे हैं, एक परिवार को एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया, आज तक कोई सोचा नहीं। और अभी 2 दिन पहले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पोस्ट बैंक को, पोस्ट ऑफिस को बैंक का रूप दिया, आज आप लोगों जब यही गांव में रेडियो होती थी, कभी टीवी नहीं था, जब 30 साल 25 साल पहले तो रेडियो एक ही माध्यम था, जो गांव में घर में वो डिब्बा बन गया था। आदरणीय मोदी जी 70 साल बाद जब 2014 से आज देश के प्रधानमंत्री बने, गांव-गांव में रेडियो को मन की बात में, आज वो रेडियो का भाव गांव में बढ़ गया। ठीक उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस बिल्कुल ख़त्म के कगार पे थे, कर्मचारी भयभीत थे कि हमारी अब नौकरी जाने वाली है, सैलरी कुछ नहीं मिल रही थी, आज उन्होंने पोस्ट ऑफिस को चलता फिरता बैंक दे दिया। आज यहाँ हमारे कुछ लोग उत्तर प्रदेश के जो यहाँ लोग किसी तरह रोजी रोटी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, एक आधार कार्ड के ही आधार पे सीधे अकाउंट खुलेगा, 1 लाख रुपए तक आप बैंक में रख सकते हैं, और उसके एक मोबाइल फोन करेंगे अपने आधार कार्ड को बताते हुए और घर का एड्रेस देंगे तो सीधे डाकिया ले जाकर के घर रुपया दे के आएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जो गांव, किसान, गरीबों को, नौजवानों को जो चिंता किए, खासकर पोस्ट ऑफिस को चलता फिरता बैंक दे करके, एक ये 70 साल में एक उदाहरण हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो कोई सोच नहीं सकता था कि डाकखाने को बैंक दे देंगे। आज ये मैं आपके माध्यम से इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम अपने प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ कि उनकी क्या सोच है कि गांव में क्या क्या चीज़ बंद हो रहा था, खराब हो रहा है, उसको उन्होंने जिंदा करने का काम किया और हर व्यक्ति को अपने हक और अधिकार की चिंता किए उन्होंने। तो ऐसे अवसर पे आज हम अपने सरकार, अपने प्रधानमंत्री और खासकर महाराष्ट्र में हम सबको आज के दिन पे बधाई देना चाहता हूँ जन्माष्टमी की ढेर शुभकामनाओं के साथ। एक सवाल और मैं संदेश जी के लिए करना चाहूँगा, जौनपुर की माटी की महक यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम करके बिखेरते रहते हैं, तो क्या समझा जाए 2022 के विधानसभा चुनाव में भावी उम्मीदवार भी लोग इनको समझ रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को हमेशा तैयार होना है
और जो व्यक्ति सामाजिक सेवा में राजनीति में उतरा है उसको हर चुनाव में तैयार होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो आदरणीय आज शमशेर सिंह हमारे बड़े भाई हैं, उत्तर भारतीयों में अलग से इनकी एक पहचान है और खासकर हमारी लोकसभा के ये वोटर हैं, तो निश्चित ये तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जैसे पार्टी आशीर्वाद देगी वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। जब ये थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, एक सवाल आपसे भी, सांसद जी इसके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि जौनपुर से करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो सांसद जी से जो अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और सांसद जी इतने सक्रियता से और यह कहें जितने दबंगई से अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे राम नाईक जी यहाँ पे क्षेत्र का विकास करते थे, हर घर हर शौचालय हर चीज़ चेक करते थे, वैसे सांसद जी कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूँ, आगे भी इन्हें ऐसे। एक और चर्चा का विषय है कि जिस गांव में सड़क नहीं थी सांसद जी वहाँ भी सड़क पहुँचा दिए हैं, तो आपकी क्या प्रक्रिया है? निश्चित रूप से गाँव नहीं अब मजरों को जोड़ा जा रहा है, गाँव में जो अलग अलग पुरवा है उसको जोड़ा जा रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और सांसद जी का प्रयास है कि कोई भी मजरा न बचे जहाँ सड़क न पहुँचे। और एक बात बता दूँ आपको, कभी कभी लोग गांव से निकल कर बाहर मकान बना लेते हैं, वहाँ बिजली जाने में काफ़ी खर्च होता है, तो वहाँ पर सोलर का सांसद जी सोलर दे रहे हैं, उससे एक पंखा एक लाइट एक टीवी जले मुफ्त में, सोलर का व्यवस्था वहाँ हो रही है। मतलब ऐसे ऐसे काम हो रहा है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, ऐसी हमारी सरकार काम कर रही है और सांसद जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से आप सांसद जी को चुन के मछलीशहर का सांसद? निश्चित रूप से मैं बता दूँ आपको, सांसद जी अपने निधि के अलावा 200 करोड़ रुपये का CSR फंड हो और आपका केंद्रीय फंड बजट हो, 200 करोड़ रुपये लगभग अपने लोकसभा में लाए हुए हैं, और उसका मैं गिना दूंगा आपको कि ऐसा ऐसा सड़क योजनाएं आप लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जहाँ जिस गांव में खारा पानी है वहाँ पे उन्होंने वाटर कूलर की व्यवस्था की है पानी का, मतलब कभी कोई सोच नहीं सकता ऐसा ऐसा काम हो रहा है, इसके सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।